भाई ये क्या डेली व्लॉगिंग क्या होती है? मुझे तो नहीं आती, क्या होती है? हाँ भाई, तो वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2019। नया साल मुबारक हो। कुछ चेंज नहीं हुआ है, वही मैं, वही आप और वही दुनिया। लेकिन कुछ चीज़ें आई वांट टू टॉक अबाउट बिफोर आई स्टार्ट टुडेज़ डे इज दैट दिसंबर की थोड़ी अपडेट्स दे दूँ। दिसंबर में कोई भी ऐसी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है जो दिसंबर के बारे में हो। इवन जो एपिसोड 3 डिस्कवर का जो मैंने कल अपलोड किया था, विच इज़ दिसंबर 31st, वो नवंबर में बना था। तो लेट मी गिव यू गाइस अ लिटिल अपडेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन दिसंबर। एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एग्ज़ाम्स के बाद आई मेड अ ट्रिप टू न्यूयॉर्क। फिर न्यूयॉर्क से आने के बाद, हाँ, न्यूयॉर्क जाने से पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाया। फिर न्यूयॉर्क से आने के बाद मैंने अपने चारों विजडम टीथ निकलवा लिए, इसी वजह से यू गाइस कैन प्रॉब्ली सी कि मेरा मुंह थोड़ा सूजा हुआ है, दर्द हो रहा है, लेकिन पेन इज़ टेम्प्रेरी, आवर रिलेशनशिप इज़ परमानेंट। तो एक चीज़ आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस वाज दैट मेरे स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है 7th of January, विच इज़ 6-7 days फ्रॉम नाउ, 6 days फ्रॉम नाउ। मैंने इरादा किया है कि आई शुड प्रॉबेबली गिव अ ट्राई टू डेली व्लॉगिंग, डेली वीडियोज़ बनाना। तो दैट्स व्हाट आई एम बी ट्राइंग आउट फॉर द नेक्स्ट 6 days, डेली व्लॉग्स अपलोड करूँगा। आई डोंट नो कि जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तब क्या होगा, विल आई स्टिल डू डेली व्लॉगिंग और विल आई जस्ट कम बैक टू माई वीकली वीडियोज़, वो उसी वक्त अपडेट मिल जाएगी आप लोगों को। अदर देन दैट अभी जिम चलते हैं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जिम गए हुए भी 2 महीने हो गए। तो भाई जिम में बड़ा कैमरा ले जाना मना है, तो आपके भाई ने एक और अपडेट आपके भाई ने आईफोन एक्स लिया है। आईफोन 7 को हमने खैर बात कह दिया है जो क्रैक हुआ था, तो आईफोन एक्स ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा चलता है। और एक और चीज़, अंदर वीडियो बनाना भी ऑफिशियली मना है, लेकिन आज 1st January है। आई होप इतना रश ना हो, अगर इतना रश नहीं हुआ तो मैं वीडियो शायद बना सकूँ। तो जिम चलते हैं, थोड़ी वर्जिश करते हैं, थोड़ी कसरत करते हैं, फिर वी कैन मूव ऑन विद आवर डे। लोग काफ़ी हैं भाई, बहुत लोग हैं जिम में। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मेनी पीपल। फर्स्ट डे बैक इन द जिम आफ्टर 2 months, 2 महीने बाद वापस आया, क्योंकि मुझे शोल्डर इंजरी हो गई थी। और फिर शोल्डर इंजरी के बाद आई वॉज रियली सिक फॉर द 2 weeks। फिर 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो एग्ज़ाम्स के बाद मैं न्यूयॉर्क आ गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर दांत निकल गए। तो इट्स माई फर्स्ट डे बैक इन द जिम एंड सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है। अच्छा, लोग एक बड़ी गलती करते हैं जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं या वापस जिम शुरू करते हैं, तो वो हैवी से हैवी जाते हैं एक ही दिन में। स्टार्ट लाइट एंड बी कंसिस्टेंट, दैट्स द होल की पॉइंट। अगर आप पहले हैवी चले गए और इंजर्ड हो गए तो फायदा। बाय द वे, आज मेरा चेस्ट डे है। मैं हमेशा स्टार्ट चेस्ट डे से करता हूँ, माई फेवरेट बॉडी पार्ट टू वर्कआउट। तो वी आर डन आज के लिए। और एक और चीज़ आई वांट टेल यू गाइस के वर्कआउट से पहले वार्म अप बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं पहले नहीं करता था और उसी वजह से मुझे पहले इंजरी हुई है। तो आई लर्न इट द हार्ड वे, आई वांट यू गाइस टू लर्न इट बाई नाउ।
भाई वर्जिश हो गई है, एक्सरसाइज हो गई है, अब आई हैव टू क्लीन माई कार। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है अंदर से और बाहर से। इसके बाद मुझे गोश्त लेने के लिए जाना है, लेकिन सिर्फ गोश्त लेना नहीं, पकाना भी है। यस, तो हम घर पहुंच गए हैं। एक और अपडेट देनी थी दिसंबर के बारे में। यस्टरडे वाज दिसंबर 31st, बट राइट बिफोर न्यू ईयर्स भाई ने 400 सब्सक्राइबर्स हिट किया है, तो ये अपडेट थी, ये देनी थी। एंड नाउ इट्स टाइम टू कुक। हाँ भाई, आपका भाई शेफ सेठ साहब हाजिर है। ये एप्रन पहना हुआ है मैंने। खैर, चिकन बहुत अच्छा बना था, बहुत ही आला किस्म का चिकन बनाया। मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं यहाँ पे व्लॉग एंड करके खाना खाने जाऊँगा, क्योंकि दवाई भी खानी है, दर्द शुरू हो गया वापस। आज का मैसेज बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का कुछ नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है टू ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम बीइंग काइंड प्रोजेक्ट, दैट आई वॉन्ट यू ऑल ऑफ यू गाइज टू पार्टिसिपेट इन बीइंग काइंड प्रोजेक्ट एज वेल। तो बेसिकली व्हाट हाउ यू कैन डू इज़, इट्स रियली सिंपल। यू रिकॉर्ड योरसेल्फ विद अ फोन, विद अ कैमरा, विद एनीथिंग। और स्क्रिप्ट ये है कि भाई हाँ भाई, योर फर्स्ट नेम और योर लास्ट नेम, या जो भी बोलना है बोल लो, नाम बताना है, वेयर यू लिव और वेयर यू आर एट दिस मोमेंट। टुडेज मैसेज फ्रॉम बीइंग काइंड प्रोजेक्ट इज, और फिर मैसेज, या अगर उर्दू में देना है तो आज का मैसेज बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का ये है, और फिर मैसेज, और दैट्स इट, इट्स रियली दैट सिंपल। तो बेसिकली मतलब हाँ भाई, मेरा नाम मुस्तफ़ा सेठ है या सेठ साहब है, मैं लॉस एंजलिस में रहता हूँ, और आज का मैसेज बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का ये है। तो मतलब ये मैं आपको अपना मैसेज डालना है, और फिर वो वीडियो सेंड इट टू मी एट sethsahaab@gmail.com। ईमेल मैं इस वीडियो में भी डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, पूरा प्रोसेस में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और अगर मुझे इतनी वीडियोज़ आती हैं तो एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ माई वीडियोज़ आई पुट दम इन। तो दैट्स इट फॉर टुडे। शेफ को इजाज़त दीजिए। Good office. ये मैं बाहर वीडियो बनाने आया था और चाबी लाना भूल गया, अब बाहर बंद हो गया। हेलो, कोई है? अम्मी,